एक बार एक बड़बोला दुराचारी और क्रोधित भोला के साथ बहुत बुरा हुआ। नाम से था भोला, लेकिन वो एक नंबर का कपटी और कड़वाहट से भरा हुआ साहूकार था। दिन रात उसका दिमाग लोगों को धोखा देने के तरीके खोजने में चलता रहता। वो एक नंबर का झगड़ालू और जालिम भी था। एक बार उसके गांव के गोपाल चंद ने, जो कि एक माली था, उससे 5,000 रुपए का कर्जा लिया और उसे समय पर चुका भी दिया, ब्याज के साथ। लेकिन चीटर भोला पैसे लेने के बावजूद भी इस बात से मुकर गया कि उसने पैसे समय पर दे दिए हैं। भोला की पत्नी यह सब कुछ देखती तो थी, लेकिन उसे बदलने से डरती थी। उसने सुना था कि काशी के कोई महात्मा उनके गांव आए हुए हैं। वो अपने पति को अनुरोध करके उनके पास ले गई। महात्मा भी उसके स्वभाव से परिचित थे। महात्मा ने उसे देखते ही कहा, भोला तुम तो 3 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी तो अब कुछ घंटे की ही बची है, काश तुम थोड़ा पहले आ जाते। ऐसा सुनते ही भोला और उसकी पत्नी सुन्न पड़ गए। भोला का रंग एकदम पीला पड़ गया, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, मुंह सूखने लगा, उसका विश्वास तो मानो आसमान से जमीन पर गिर पड़ा हो। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। महात्मा ने कहा, भोला क्योंकि परमात्मा ने अब तुम्हें 3 दिन और दिए हैं, तो अब मौका है तुम्हारे पास अपने कर्मों को सुधारने का, सही करने का। अब भोला वो पहले वाला भोला न रहा, वो एकदम अलग व्यक्ति था। उसने सबसे पहले गोपाल और उसके परिवार को बुलावा भेजा और उनसे माफी भी मांगी। उसने हर उस इंसान जिसे उसने कभी न कभी परेशान या बेइज्जत किया था, उसके घर जाकर अपने किए गए दुर्व्यवहार को भूलकर उसे माफ करने का अनुरोध किया। दोस्तों, अगर हर रोज सुबह उठकर हम ये याद कर लें कि हम नश्वर हैं, मॉर्टल हैं, कभी भी हमारा बुलावा आ सकता है, हो सकता है आज ही मेरा आखिरी दिन हो, तो क्या हम भी वही करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं? क्या हम किसी का बुरा सोचने में एक भी पल व्यर्थ करेंगे? क्या हम किसी की चुगली करने में एक भी लम्हा बिताएंगे? क्या हम किसी को धोखा देने के बारे में सोचेंगे भी? क्या गलती करने पर सॉरी बोलने में जरा सा भी वक्त लगाएंगे? क्या प्रभु भक्ति बाद में कर लेंगे ऐसा बोलेंगे? नहीं ना। जरा सोचिए, कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, कैसा होगा आपका व्यवहार, कैसे होंगे आपके विचार, अगर पता चले कि आज ही मेरा आखिरी दिन है। एक हिंदी गाना भी तो है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी। तो अपने इस पल को पूरी तरह से जिए, अपने आज को जिए, पिछली बातों को भुला दें, उनकी डिस्कशंस में अपना समय बिल्कुल व्यर्थ न गवाएं। आगे की प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी पर फोकस करते करते अपने आज को न भूल जाएं, और अपने व्यवहार के प्रति वॉचफुल रहना ही आई थिंक जीवन है। धन्यवाद। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।